subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Subscribe to my channel and hit the bell icon. Assalamu alaikum friends, kaise hain doston? Jio sabke liye channel mein aapko khush aamdeed kehta hoon. Inshallah aaj is video mein aapko bataunga ki aap log ufone ki sim pe kaise free internet use kar sakte hain. दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर क्लिक करके और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर इंटरेस्टिंग सी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल में मेरे में यूफोन की सिम अभी मौजूद नहीं है, तो दूसरे मोबाइल में मैं आपको ले चलता हूँ और आपको इंटरनेट यूज़ करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे सेटिंग वगैरह करनी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आपने कैसे यूफोन की सिम पे प्रिंट कर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरी सिम यूफोन में है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सेटिंग में ले जाता हूँ और वहाँ पे जाके आपको बता देता हूँ कि सेटिंग कैसे करनी है। मोबाइल नेटवर्क, ये डाटा कनेक्शन कोड और सोल्ट, ये नेटवर्क में आके आपने लिखना है यूफोन, APN में लिखना है यूफोन इंटरनेट, ठीक है दोस्तों। तो यूफोन इंटरनेट लिखने के बाद जो भी कंपनी की तरफ से सेटिंग है बस उसमें आपने यूफोन डॉट इंटरनेट लिख देना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। और डाटा कनेक्शन सिम वन पे मैंने एक्टिव कर दिया। अब एक्टिव करने के बाद दोस्तों आपको मैं आपका अपना बैलेंस चेक करवा देता हूँ कि मेरे पास कितना बैलेंस मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस है इस वक्त और एडवांस लेने के लिए ये आप लोग देख सकते हैं नीचे। और इसके अलावा दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और सक्सेसफुल तरीके से चेक करवाते हैं कि हमारा कोई पैकेज है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने YouTube को ओपन किया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग चल रही है लेकिन कोई रिस्पांस दोस्तों नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कोई भी फ़िलहाल इंटरनेट पैकेज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यूफोन की सिम दूसरे सेट में थी तो इसलिए आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि दोस्तों मैंने कोई भी पैकेज नहीं किया यूफोन की सिम में, मैंने ना ही कभी बैलेंस दिलवाया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यूसी हैंडलर को डाउनलोड कर लेना है। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आके कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग करनी है आपने। पहले मैंने आपको बताया था कि mLine.me में चल जाता है लेकिन दोस्तों आप वैसे नहीं चलता, आप रिमूव पोर्ट पर आप क्लिक करें और रियल होस्ट आपने सेलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पर लिखना है ufone.com। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे HTTP में सिर्फ आपने नो प्रॉक्सी लिखनी है, ठीक है। तो इसके बाद कोई सेटिंग ना करें, इसको सेव कर दें। अब गूगल को ओपन करते हैं, सक्सेसफुल तरीके से चेक करते हैं कि इंटरनेट चल चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। तो यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे पास यूट्यूब की भी ओपन हो गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और इसके अलावा मैं दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ और ब्राउजिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ facebook.com, तो यहाँ पे हमारी फेसबुक भी सक्सेसफुल तरीके से चल जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक आ चुका है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फेसबुक चलेगी। ये आप लोग देख सकते हैं फेसबुक भी आ चुकी है। तो दोस्तों आपका इंटरनेट सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। अब मैं आपको जो सेटिंग पहले बताई थी उससे ट्राई करके देखते हैं चलता है या नहीं, जो कि मैंने आपको उस पे पीछे उस प्रो पे दिखाई थी, क्या नाम था, नोनी ट्यून वीपीएन पे। तो दोस्तों वो सेटिंग यहाँ पे अब वर्क नहीं कर रही ना वेब टूनल वाली। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हाल ही अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो सेव करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप लोग देख सकते हैं आपको प्रोक्सी ज़रूर लिखनी है ufone.com, तभी आपका चलेगा। और दोस्तों इससे यूफोन वालों को कोई दिक्कत वगैरह नहीं है कि आप उनका इंटरनेट फ्री में यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इससे आप जस्ट ब्राउजिंग कर सकते हैं या आप वो भी आसानी के साथ। तो आप इस तरह से यूफोन का फ्री इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आपने सेव कर लेना है ufone.com लिख के। और यहाँ पे दोस्तों गूगल को, यहाँ पे मैं गूगल मैप को ओपन अभी करता हूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ सके कि इंटरनेट इससे सक्सेसफुल तरीके से चलता है।